मोदी जी ने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाई और उसी वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन लगा दी जिससे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनके बल पर मोदी सरकार 400 पार ले आएगी? आप कह रहे हैं कि चौकीदारों की फौज है, विपक्ष चौकीदार को ही चोर कह रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी 200 सीट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी। क्या नाम होता आपका? मेरा अनुप गोस्वामी नाम है जी। मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एक मुद्दा यह है विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना। जहाँ देखिए कहीं पर मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री जानते थे इतना सम्मान नहीं मिलता था, आज माननीय मोदी जी को इतना सम्मान मिल रहा है। इतना योजना उन्होंने चला रखी है जैसे आयुष्मान भारत, उसके लिए गरीबों को इतना बड़ा लाभ मिला हुआ है। हर एक अस्पताल जाइए, वहाँ कार्ड दिखाइए, अपना फ्री इलाज करिएगा। ये बहुत बड़ा हुआ है। किसानों का इतना बड़ा मतलब कि वो हुआ है, घर घर पैसा पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, मतलब किसी को तकलीफ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाने में मोदी जी को लगा हुआ है कि विश्व गुरु भारत बने। और एक चीज बताऊं, 400 पार जिसने भविष्यवाणी की है ये बिल्कुल सत्य है। और आपके हमारे एक तरफा चुनाव है, ये कोई हमारे विपक्ष में चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव चल रहा है भारत में, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी 200 सीट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी। विपक्ष को रोटी सेकने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेगा? यही सब बोलेगा और बचा ही क्या है, क्योंकि विपक्ष का काम है विरोध करना। वो भारत को अच्छा नहीं देखने चाह रहे हैं, ऐसे गंदे लोग पड़े हुए हैं, कोई अच्छे काम होते हैं तो उसके बुरा देखते हैं। अच्छा, मोदी जी के आने से एक बात कही जा रही है कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, आपका क्या मानना है? महंगाई अगर बढ़ गई होती तो आप समझिए, आप चले जाइए देश के किसी कोने में, एक एक व्यक्ति के पास कार है, एक एक व्यक्ति के घर में एसी लगी हुई, हर व्यक्ति आज चले, हर व्यक्ति का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, हर इसमें महंगाई कैसे महंगाई है? आप ये समझिए, ये जो भीड़ आई है ये यहाँ पैसे लेके नहीं आई है। आज हमारे एक तरफ देश में चौकीदारों की फौज है और एक तरफ इंडी गठबंधन के नाम पर गद्दारों की फौज है। हम 20 साल बाद अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जब हमारे चौकीदारों के विपक्ष पूरे गद्दार खड़े थे तो आपने क्या किया, तो हम चौकीदारों के साथ हैं। ये यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता यहाँ आप कह रहे हैं कि चौकीदारों की फौज है, विपक्ष चौकीदार को ही चोर कह रहा है। आप ये समझिए कि विपक्ष का एक एक नेता स्वयं चोर है, इस बात को आप जानते हैं, सबूत हो चुके हैं, जिसमें टोटी चोर भी शामिल है और बहुत सारे चोर भी शामिल है, गांधी खानदान का एक एक व्यक्ति जिसपे मुकदमा चल रहा है। चौकीदार हमारा कोई दिखा दे, उनके भाई उनके बहन जो जहां पे थे वो वही है। चौकीदार के पास कोई दिखा दे, मोदी जी के पास कोई संपत्ति साबित कर दे, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, वादा करता हूँ। यहाँ पर जितने लोग आए, यहाँ अलगपति से लेकर के एक किसान, एक चाय वाला, एक पान वाला, इस भीड़ में करोड़ों लाखों की भीड़ में शामिल है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जिनके बल पर मोदी सरकार 400 पार ले आएगी? पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, एक एक गली एक एक सड़क बन रही है, सब जगह लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, जिनके पास घर नहीं थे, जमीनें थी उनको 2.5 लाख रुपया निःशुल्क मिल रहा है, एक एक घर में राशन पहुंच रहा है, कोरोना से शुरू हुआ राशन पहुंच रहा है। बड़े बड़े देशों ने अपनी वैक्सीन नहीं बनाई, हमारे मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, 150 करोड़ लोगों को लगाई और विदेशों को फ्री में बांटी। मोदी जी ने 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में लगाई और उसी वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन लगा दी जिससे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आप मेरे भैया ये बताइए, कोरोना जिस समय आया तो पूरे देश में ये कहा गया कि भारत देश में मृत्यु इस तरह से आएगी, भुखमरी छा जाएगी, क्या कोई एक व्यक्ति राशन के लिए परेशान हुआ? कोरोना से आप उठा के देख लीजिए आंकड़े, हमारे देश में सबसे कम मौतें हुई है और एक नहीं तीन तीन वैक्सीन एक एक आदमी को लगी है, विदेशों तक में फ्री राशन और मोदी जी ने वैक्सीने पहुंचाई है। विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं कहने के लिए? कोरोना का वैक्सीन बनाया, कितने विश्व में पड़े वैज्ञानिक, किसी ने नहीं बनाया, भारत कैसा है जो कोरोना का वैक्सीन बना करके लोगों को विश्व को बचाया।
ये हमारे मोदी जी का काम है, ये विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भाई साहब, मैं कबीर जायसवाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चैलेंज करता हूँ कि ये तीसरी बार नहीं, भाजपा की तीसरी बार भी सरकार बनेगी, अब की बार 400 बार। जय भाजपा की तीसवीं बार सरकार बनेगी।